नागपुर शहर में इस बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को और भी उत्साह के साथ मनाने के लिए महिला स्वयं रोजगार बहुउद्देशीय संस्था द्वारा रेशम बाग में मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन 22 जनवरी से 9 फरवरी तक रखा गया है। मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल और प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां कश्मीर, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से आए हुए व्यापारियों ने आकर्षक खादी कपड़े, मसालों, कृषि उत्पादों जैसी अनेक चीजों की प्रदर्शनी लगाई, जिनसे मेले में आए हुए लोगों को भारी आकर्षण इन चीजों की ओर खींचता हुआ दिखाई दिया। हमने बात की इस प्रदर्शनी में बाहरी राज्यों से आए व्यापारियों से और जाना उनका प्रतिसाद। किसी कार्यक्रम या मेले का भरपूर आनंद उठाना हमें सिर्फ और सिर्फ फैमिली के साथ ही मिलता है, तो अभी हमारे साथ एक परिवार मौजूद है जो कि कलमना से इस रेशम बाग के इस मेले में आया है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कैसा रहा उनका अनुभव और किस तरह उन्होंने एंजॉय किया। तो हम सबसे पहले ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं। मैम, हम कलमना से आए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे एक बार विजिट दें, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो क्या क्या किया, झूला झूला और क्या क्या खाया? हाँ, झूला झूला, ब्रेक डांस में बहुत कुछ खाया, ब्रेड पकौड़ा, दाबेली, और हमारी शॉप भी है यहाँ पे, तो आप जरूर एक बार विजिट करें। तो बढ़िया लगता है ना रोजाना घर के रोजाना घर से निकल एक दिन किसी दिन ऐसे घूम कर। हाँ हाँ, मजा आता है, बहुत मजा आता है। आप पूरी फैमिली के साथ? हाँ, पूरी फैमिली है। अच्छा एंजॉय किया? बहुत बहुत एंजॉय किया। तो झूले झूले? हाँ हाँ, झूला तो नहीं झूले, मेरे बेटे ने झूला झूला है। ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रम, ऐसे मेले लगने ही चाहिए? हाँ, लगने चाहिए, पर थोड़ा सा नहीं क्या, बहुत अरे झूले का वगैरह क्या प्राइस बहुत ही है, यानी हमारे खर्च के बाहर है थोड़ा सा प्राइस वगैरह। तो लेकिन फिर भी मतलब एंजॉय हुआ? एंजॉय अच्छा हुआ हमारा। इस प्रकार के मेलों में अक्सर स्थानीय लोगों का काफी उत्साह देखने को मिलता है। ऐसी उत्साह से भरे नागपुर के लोगों ने इस मेले का काफी आनंद लिया। 22 जनवरी से 9 फरवरी तक आयोजित इस भव्य मेले का आनंद लेने के लिए शहर के अन्य हिस्सों से लोग यहां पहुंचे। मेला हो या फिर कोई पार्टी, इसको लेकर ना युवकों में काफी भारी उत्साह रहता है। तो जैसा कि अभी हमारे साथ कुछ युवतियां मौजूद है, तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि कैसा उनका अनुभव रहा और किन किन दिन वो आती है और कैसे एंजॉय करती है। तो नहीं, मैं तो यहाँ पर 2-3 बार आई हूँ, पर काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे, और फ्रेंड लोगों के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है, और झूला वगैरह झूलने में तो बहुत मज़ा आता है। आम दिनों के बाद कभी ऐसा मेला लगता है तो काफ़ी मज़ा आता है, उत्साह होता है? हाँ, बहुत मज़ा आता है, फैमिली के साथ या फ्रेंड लोगों के साथ बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। आनंद ले रहे? हाँ, बहुत ज़्यादा।